1999 में कुतुब कॉलोनी साउथ दिल्ली का डिजाइनर हब हुआ करता था। कई सारे कैफेज और रेस्टोरेंट इस इलाके में मौजूद थे, लेकिन 29 अप्रैल 1999 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरे इलाके को दोबारा खंडर में तब्दील कर दिया। ये कहानी है जेसिका लाल मर्डर केस की। जेसिका लाल की हत्या हुई दर्जनों लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने हुई। उस टाइम टैमरिन कोर्ट पैक्ड था एकदम, और वो बहुत पॉपुलर जगह थी। जितना भी वहाँ घटनाक्रम था वो सारे बहुत सारे लोगों ने देखा। सच बात यह है कि ये लोग अपने दोस्तों के साथ जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी देर हो गए थे, और आपको ध्यान है कि उस वक्त बार्स का क्लोजर टाइम 12 बजे के आसपास का होता था पुलिस के द्वारा। 12:30 के आसपास ये लोग वहाँ पर, जब इन्होंने दोबारा एक ड्रिंक की फरमाइश की तो क्वाइट ऑब्वियस था कि जो बारटेंडर, उस सेलिब्रिटी बारटेंडर्स का कॉन्सर्ट था वहाँ पर, और जेसिका लाल उसमें से एक थी, और एक बॉलीवुड के अभिनेता थे शायन मुंशी, जो बाद में उस केस में काफ़ी अहम उन्होंने भूमिका निभाई, वो भी एक बारटेंडर का रोल अदा कर रहे थे उस वक्त। जब उसने उनसे एक और शराब मांगने की गुजारिश की या डिमांड की तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि देर हो गई थी, लेकिन इस वक्त तक उनका शराब से काफ़ी सेवन हो चुका था। वो थोड़े हाई थे, उनके दोस्तों ने भी काफ़ी पी रखी थी, रिच फैमिली के थे, पावरफुल फैमिली के थे, और ऐसी बैकग्राउंड के लोग नो फॉर एन आंसर नहीं लेते हैं, एक ईगो हर्ट हो जाता है। और कई लोगों ने ये बताया उस वक्त कि उनकी आपस में थोड़ी सी बहस हुई थी। अब उसमें 2-3 वर्जन्स हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उसने एक अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया महिला के साथ, और इस वजह से थोड़ी बात बढ़ गई और गुस्से में आके उन्होंने फायर कर दी, जिसमें से एक गोली जेसिका को लग गई। लेकिन ये तय है कि शुरुआत इसी बात से हुई थी कि उनको उस वक्त शराब चाहिए थी और जेसिका लाल ने उसको मना कर दिया था। मालिनी रमानी भी वहाँ उस वक्त मौजूद थी, जो उनकी माँ की ओनर थी इस टैमरिन कोर्ट की, उन्होंने भी उसको इंटरवीन करके मना करने की कोशिश की, लेकिन क्लियरली शुरुआत झगड़े की इसी से हुई। जिस वक्त मनु शर्मा ने गोली चलाई उस वक्त पार्टी खत्म हो चुकी थी, रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था और ज्यादातर गेस्ट जा चुके थे, लेकिन टैमरिन कोर्ट की मालकिन बीना रमानी ने न सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी बल्कि जेसिका को जमीन पर गिरते हुए भी देखा। I was only in that room for that one moment when I entered and I heard the shot and saw Jessica fall and then I held on to Manu Sharma from running. So those were really just about the 2 minutes, you know, that I stood there and my husband chased him on foot for 2 kilometers. He lost him on the way, but he continued running till he reached the police station. This would have been literally 10 minutes after the actual incident. I want to know which man in India would chase an armed man in the middle of the night and reach the police station. It's on record. Delhi police ka investigation us case mein dekhen, wo shayad you know Bharat ke itihas mein one of the most disastrous investigations kehlayega. इन फैक्ट ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जब फाइनल जजमेंट दिया था उसमें जज ने लिखी थी कि इस तरीके का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस के लिए एक धब्बा होता है, क्योंकि उन्होंने विलफुली एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजरली बार बार चीज़ों को गलत नोट डाउन किया जिससे कि वो केस कमज़ोर हो जाए, और उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। लेकिन ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जो अभियुक्त थे या जो उस टाइम पे अक्यूज थे वो एक रसूखदार परिवार से थे, वो पावरफुल थे, उनके पिता पॉलिटिशियन थे, उनके पास पैसा था और उनके पास बहुत सारी चीज़ों का जरिया था पुलिस के ऊपर इस चीज़ का जोर लगाने का कि वो अच्छा केस प्रेजेंट ना करें। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इस केस में 2 लोग ऐसे इन्वॉल्व थे जिनके पास इस तरीके की पावर थी, जो नेगेटिव पावर भी होती है, जो बहुत डिसरप्टिव पावर भी होती है, मसल पावर जिसको बोलते हैं। एक तो मनु शर्मा खुद थे और दूसरे इनके को अक्यूज थे विकास यादव, उनके पिता थे डीपी यादव, जो वेस्टर्न यूपी के बहुत नामी गिरामी पॉलिटिशियन उन जमाने में होते थे। जेसिका लाल हत्याकांड कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसकी जान चली गई, और इंसाफ की लड़ाई में मीडिया, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, पुलिस सभी एक दूसरे से डरे हुए नजर आए। पर आज 22 साल बाद क्या कुछ बदला है? जेसिका को करीब रात 2 बजे गोली मारी गई थी। बीना रमानी ने 2 वेटर्स से टेबल क्लॉथ में जेसिका को लपेटकर गाड़ी में रखने को कहा। 10-15 मिनट में वो पासी के आश्लोक अस्पताल जेसिका को लेकर पहुंचे। शी वाज स्टिल ब्रीदिंग, लेकिन डॉक्टर्स को लगा कि जेसिका को किसी अपोलो जैसे बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए। पर अपोलो अस्पताल पहुंचने से पहले ही 30 अप्रैल 1999 की सुबह 6 बजे जेसिका ने दम तोड़ दिया। Madan and Jitender, my other supervisor, they had both, they already had Jessica Lal wrapped up in a bed, in a tablecloth.
and they were walking out with her from the restaurant area. This was by now no more than 4 minutes. And all I've done is chase Manu to the gate and come back and talk to the boys and girls to immediately start calling. In that time, Madan and Jitender both came with me to the hospital, and they remained with me in the hospital till the police arrived 1 hour later. And I want to also tell you what happened when we returned from the hospital an hour later, and Jitender, her head lay in his lap. And there was a bit of blood that she was coughing, because she was still alive for a few hours. And that shirt on which the blood remained, we gave that to the police. If they want blood, they've got it. And they have to stop saying, whether it's the police saying it or the press or whoever saying it, about wiping the bloodstains. No such thing ever happened. I thought for me, what was important was the boy being punished. The whole of my country should acknowledge that Manu Sharma shot Jessica, and he should be punished for the same. जब केस की तहकीकात धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब कोर्ट में मामला कमिट हुआ ट्रायल के लिए, उन हियरिंग्स के दौरान ये आई थिंक मीडिया में ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि इस केस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं और पुलिस ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही केस। मनु शर्मा फरार था और पुलिस को मर्डर वेपन भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वारदात के कुछ दिनों बाद नोएडा से पुलिस को मनु शर्मा की गाड़ी मिली, वही टाटा सफारी जिसमें बैठकर वो टैमरिंड कोर्ट पहुंचा था। लोगों में इस मामले को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। उसी गुस्से और मीडिया के दबाव के चलते चंडीगढ़ में कुछ दिनों बाद मनु शर्मा ने सरेंडर कर दिया। मनु शर्मा चाहे कन्फेस करता या नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में कन्विक्शन को लेके। जिन चीज़ों से फर्क पड़ता वो थे एविडेंस और वो थे जो स्पेसिफिक विटनेस अकाउंट्स इस केस के थे, और वहीं सबसे ज़्यादा इनजस्टिस या डिरेलमेंट ऑफ जस्टिस हुआ इस पूरे मामले में। वी रिस्क्ड आवर लाइव्स टू स्टैंड फॉर एंड बी विटनेसेस फॉर द 7 लॉन्ग इयर्स, द हेल दैट वी हैव बीन थ्रू, स्टैंडिंग अपराइट एज विटनेसेस and getting no witness protection in this country. I mean, what more can I tell you? We are there right till the end, and the police knows that we are with them from day one till day now, whichever police team it is. We have never shifted our stand from the moment this incident happened. 7 years later today, our story has not shifted one iota. It's exactly the same from all three of us. We are eyewitnesses to whatever happened. It's on record, and it shall remain that way. Most cases where the people have money and power, there's a pressure between the money and muscle power. But in this particular case, in Jessica's case at least, what I have known, money power has worked amazingly at every step. May 1999 mein police ne is mamle mein 10 logon ko giraftar kiya, jisme UP ke jane mane politician DP Yadav ka beta Vikas Yadav bhi tha, jo us raat Tamarind court mein Manu Sharma ke saath maujood tha. Baki wo log the jinhone police se chhipne mein aur murder weapon ko thikane lagane mein Manu Sharma ki madad ki thi. इन सभी लोगों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत इल्जाम लगाए गए और सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। यहीं से इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। पुलिस के रोल के ऊपर दर्जनों ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। मनु शर्मा की एक SUV नोएडा से बरामद हुई थी। उस SUV के अंदर एक एम्प्टी शेल केसिंग मिली थी। ये केसिंग वही केसिंग, उसी बंदूक की केसिंग थी जिस बंदूक से फायरिंग की गई थी। ये अपने आप में बहुत अहम एविडेंस है, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए एक पर्टिकुलर बोर की पिस्टल से फायरिंग की है और वही बोर की पिस्टल मेरी गाड़ी में मिलती है, उसकी एक एम्प्टी शेल, तो एक कनेक्ट बनता है। ये कभी कोर्ट को बताया नहीं गया। सिमिलरली शायन मुंशी जिनके बयान पर ये FIR रजिस्टर हुई थी, क्योंकि वो एकदम बगल में खड़े थे जिसका लाल के, उन्होंने कोर्ट में ये कहा या उनका दावा था कि उनको हिंदी नहीं आती। इस चीज़ को कंटेस्ट ही नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने, IO ने इस बात को कंटेस्ट नहीं किया। वो हिंदी फिल्म के एक्टर थे, हिंदी में फिल्में की हैं उन्होंने, लेकिन इस चीज़ को अभी कंटेस्ट ही नहीं किया गया। आपने अगर कोई चीज़ सीज़ की है, अगर पुलिस ने कोई चीज़ बरामद की है, तो एक सीजर मेमो तैयार करना पड़ता है। उस सीजर मेमो को साइन करना पड़ता है IO को और आपके साथ जितने जो दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं। कई जगहों पर बरामदगी में सीजर मेमो बनाया ही नहीं गया। इस तरीके की बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जिसमें पुलिस ने जानबूझ के इस केस को कमज़ोर किया। मुझे इस बारे में कोई सजेशन या कमेंट नहीं देना है, क्योंकि इस बारे में दिस डज नॉट कंसर्न मी। इट्स अ सब्जेक्ट दैट हैज हैपेंड 7 years अगो। विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केसेस लाइक जेसिकास केस गोइंग रॉन्ग।
3 अगस्त 1999 में इस मामले में पुलिस ने सेशन कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। जनवरी 31 2000 में ट्रायल की शुरुआत हुई। मई 2001 से एक एक कर सभी गवाहों ने अपने बयान से मुकरना शुरू कर दिया। बीना रमानी, उनके पति जॉर्ज और उनकी बेटी मालिनी रमानी को छोड़कर सभी गवाहों ने कहा कि दरअसल उस रात जिस आदमी ने जेसिका की हत्या की थी वो मनु शर्मा नहीं था। नतीजा फरवरी 2006 में लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने मनु शर्मा और उसके सभी साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया। Rather than let things dwindle, because they required all the documents translated from Hindi into English, because 98% of the evidence on the lower courts is in Hindi. So apparently it usually takes 5-6 months, but now they made sure that they'll try and do it at least within 1 month, which is a good thing. Observation of the High Court that it wants an expeditious trial could just be the new beginning for seeking justice for Jessica and her family. One of the major stumbling blocks in cases like Jessica's, where one doesn't get justice because of witnesses turning hostile. But the way Shahid Munshi retracted, that is, I think, what has angered a lot of people. It wasn't just simply not recognizing the boy in court. He changed the whole story into two people and two guns. So where did that all come from? So you see, that is what the thing is. It depends. You have to, you retracting your statement. How you retract your statement is also very important. मुझे इस बारे में कोई सजेशन या कमेंट नहीं देना है, क्योंकि इस बारे में दिस डज नॉट कंसर्न मी। इट्स अ सब्जेक्ट दैट हैज़ हैपन 7 years अगो और आई हैव मूव्ड ऑन, माय लाइफ हैज़ मूव्ड ऑन, आई हैव नेवर लुक बैक, आई एम नॉट इन द लूप, सो थैंक यू। शहीन मुंशी को बाद में ये बात का एहसास हुआ कि उनके बयान पे FIR रजिस्टर हो गई है, लेकिन बाकी जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनके आधों के या तो बयान हुए नहीं, या उन्होंने बयान में ये दावा किया कि उन्होंने कुछ देखा नहीं या उन्हें कुछ मालूम नहीं, तो वो इस लिहाज से सिंगल आउट हो जाएंगे। और जिन लोगों ने ये कारनामा किया है या जिन्होंने हत्या की है वो बहुत पावरफुल लोग हैं, और इस वजह से थोड़ा सा डर उनके मन में बैठ गया। विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केसेस लाइक जेसिकास केस गोइंग रॉन्ग। व्हेनेवर अ ट्रेजेडी हैपेंस, अ शूटिंग इंसिडेंट और एक्सीडेंट और व्हाटएवर मे हैपन, एंड दैट फर्स्ट आवर और 2 आवर्स, इवन द फर्स्ट 2-3 डेज, the impact and the shaking up of the human nature is such, there's a passion and wanting to help and tell the exact truth and relate the exact incident. Everybody who's a witness statements that they took during those first, maybe let's say at least the first 2 weeks, there was a shockwave going through everyone. All those statements are totally accurate. Each and every person who gave statements, there were hundreds of them going to the police station giving statements, they must examine those statements. Those are the real truth. Who killed Jessica एक नारा बन चुका था। मनु शर्मा और बाकी आरोपी सजा से बच निकले थे, पर मीडिया और जनता को जज SL भयाना का ये फैसला मंजूर नहीं था। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, री इन्वेस्टिगेशन की मांग जोर पकड़ने लगी, पर लीगली ये मुमकिन नहीं था। जिस तरीके से केस प्रेजेंट किया गया कोर्ट में, उसमें एक भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिस पे कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। इनफैक्ट जज ने अपने जजमेंट में इस बात को जिक्र किया कि मेरे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि मेरे सामने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा मैं जजमेंट उसी पे दे सकता हूं। तो कई जगहों पर गड़बड़ियां हुई, ऐसा शायद कोई भी जगह नहीं थी जिसमें इस केस में गड़बड़ी नहीं हुई, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन का हो जो ठीक से सिक्योर नहीं किया गया। अगर आपको ध्यान होगा उस केस, वहां पर खून जो पड़ा हुआ था जिसका लाल का, वो धो दिया गया पुलिस की प्रेजेंस में। वहां से शुरुआत हुई केस खराब होने की, इन्वेस्टिगेशन के दौरान चलती रही, और फाइनली कोर्ट में जब प्रोसिक्यूशन ने उसको उसके बारे में जिरह की, तब भी यही खेल चलता रहा और केस डैमेज हो गया। 1999 इंडियन मीडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट अभी नया नहीं था कि एक मीडिया कंपनी ने जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के बीच की दीवार को गिरा दिया। स्टिंग ऑपरेशंस का इजाद हुआ और उसी के साथ न्यूज बताने का दौर बीता और न्यूज बनाने का चलन पॉपुलर हो गया। ये भारत का शायद वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था जिसमें मीडिया ने एक्टिविस्ट का रोल अदा किया, और इसमें कोई दोहराया नहीं कि मीडिया ने एक्टिविस्ट रोल अदा किया, बिल्कुल किया। इस केस में किया था, प्रियदर्शनी मट्टू केस एक हुआ था उसमें भी किया था, लेकिन ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था जिसमें एक्टिविज्म का रोल एक्चुअली किया मीडिया ने और न्यूट्रैलिटी नहीं रखी उसमें। लेकिन मेरा मानना यह है कि मीडिया को एक्टिविस्ट वर्ड ना तो सोचना चाहिए ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया को अग्रेसिवली तथ्य और फैक्ट्स को चेस करना चाहिए। अगर वो एक्टिविज्म लगता है या उसकी उसको एक्टिविज्म का जामा कोई पहनाना चाहता है, सो बी इट,
बट द फैक्ट इज कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका धर्म है फैक्ट्स को चेक, पहले फैक्ट्स को समझना, फिर उनको चेक करना, फिर उनको अग्रेसिवली दिखाना. इस केस में जब आप जजमेंट देखें सेशंस कोर्ट का या पुलिस ने जो भी प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किया उसको देखें, इसमें फैक्ट्स के आधार पर एक्टिविज्म करने की ज़रूरत नहीं है. आप खाली फैक्ट्स ही स्ट्रांगली रखिए और आपको लगेगा कि इससे ज्यादा इनजस्टिस या इससे ज्यादा मिसकैरेज जस्टिस हो ही नहीं सकता. मीडिया के इतने दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया और फास्ट ट्रैक सुनवाई का आदेश दिया. 20 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया. जस्टिस आर एस सोधी ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मनु शर्मा ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी बेल याचिका को कई बार रिजेक्ट करने के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा पर मुहर लगा दी. There was no way out for मनु शर्मा नाउ. तो हम लोगों को पहली बार ये अंदाजा हुआ कि पब्लिक ओपिनियन बहुत पावरफुल होती है और उसको पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है. एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर काफी हुआ. आई थिंक वी रियलाइज्ड कि एक एक वन वे कम्युनिकेशन या वन वे जॉब नहीं है हमारा कि हम खाली लिख रहे हैं और अगले दिन अखबार में छप रहा है. ये टू वे भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक की भी एक व्यू है, उनकी एक समझ है और उनका भी एक हिस्सेदारी है जस्टिस सिस्टम में भारत के. मनु शर्मा तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा था. पब्लिक और मीडिया शांत थे. फिर एक दिन पैरोल के दौरान मनु शर्मा को दिल्ली के एक मशहूर नाइट क्लब में देखा गया. जब तक पुलिस वहां पहुंची वो वहां से जा चुका था. उसे पैरोल इस ग्राउंड पर दी गई थी कि वो अपनी बीमार माँ शक्ति रानी शर्मा से मिलना चाहता था, जो कि खुद पॉलिटिकल रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हुई नजर आईं. We have found on CCTV footage which we had given to the police that yes, he did enter. He entered for 10 minutes and then he left before the police came in there. So that kind of helps them build their case that if he's there to look after an ailing mother, then what's he doing pub hopping? Parole is something that prisoner wants, and it's nothing illegal that he asks for. A record comes from the jail authorities, from the police, saying yes, this person can avail of parole because his behavior has been good or whatever the reason is. The home secretary looks at it, the jail superintendent or the jail person in charge, the DIG in power, looks at it. When I sign it, because there is a request, he has not taken a parole before, and I sign it and I send to the lieutenant governor. Now, it is not done without a reason. It is not because there was any special parole gift that was given to somebody. Jessica Lal ki behan Sabrina ne ek ahem sawal uthaya. Ye kaisa insaaf tha ki ek masoom ne apni jaan gawai aur uske qatil ko saza milne ke bawajood jail ke bahar jeene ka adhikar diya gaya. Reports ke mutabik 2006 se 2009 ke beech Manu Sharma ko 7 baar parole di gayi, jo ki kanuni taur par justified tha. Jis waqt wo saza kaat rahe the, उस वक्त एक बार उनको पैरोल मिली थी और वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, क्योंकि वो उस पैरोल पीरियड के बीच में एक पब में पार्टी करते हुए पाए गए थे. और मज़े की बात यह है कि वो उस पब में पार्टी करते हुए पाए गए और पकड़े केवल इसलिए गए क्योंकि जिस ग्रुप के साथ उनकी अनबन हुई उस ग्रुप में उस वक्त के दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बेटा मौजूद था. उसने अपने पिता को जानकारी दी कि ऐसा झगड़ा हो गया है या जो भी हुआ है, और पुलिस दल बल के साथ वहाँ आई. और ऐसी शायद पुलिस फोर्स का भी रिस्पांस नहीं मिला होगा दिल्ली में जिस तरीके का उस वक्त मिला था, और तब पता चला कि ये तो मनु शर्मा था. तिहाड़ में 12 साल बिताने के बाद मनु शर्मा को ओपन जेल में शिफ्ट किया गया. अक्सर वो कैदी जो जल्द रिहा होने की कतार में होते हैं उन्हें ये ट्रांसफर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ गुड बिहेवियर. आप समझ लीजिए कि मनु शर्मा 9 to 5 व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा था, जिसके लिए वो जेल से सुबह 8 बजे निकलता और 6 बजे वापस लौट आता. सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने दरअसल उसे जल्द रिहा करने का फैसला कर लिया था. जो हादसा हुआ उसके बाद जब वो जेल में गया तो मुझे लगता है एक नया मनु पैदा हुआ, जिसने जेल को जाते ही तुरंत अपना लिया. उसने जेल को समझने की कोशिश की, उसने जेल को अपनी ज़िंदगी का क्लासरूम बना लिया. वो समझ गया जेल के अंदर उसे क्या करना है. उसे जेल के इनमेट्स के बच्चों को मदद करनी, जेल में कुछ लोगों को पढ़ने लिखने में मदद करनी है, और जेल के रेस्टोरेंट का एक मजबूत हाथ बनना है, तिहाड़ के ब्रांड को मजबूत करने का काम करना है. मतलब ये कि मनु को ये बात तो समझ में आ गई थी बहुत जल्दी कि जेल में उसे अब लंबा रहना है. अब उस लंबे रहने को
सही समय में कैसे उपयोग किया जाए इसका क्रेडिट मैं मनु को 100% देती हूँ। मनु ये समझ गया ये इनमेट पॉपुलेशन उसकी पीआर कर सकती है और वो ये भी समझ गया जो जेल स्टाफ है और जेल अधिकारी हैं ये भी उसके एकदम सही पीआरओ हो सकते हैं और यही हुआ। 2 जून 2020 को मनु शर्मा की सजा खत्म हुई। वो अब 45 साल का था। उसने जेल में ही लॉ और ह्यूमन राइट्स की डिग्रियां हासिल की। आज वो एक एनजीओ चलाता है जो कॉन्विक्स के बच्चों की पढ़ाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाए हुए है। He has served 15 years in jail. 15 years is not a small time. Plus, he's done what I've heard. He's done a lot of good work in jail as well. So there seems to be a certain amount of repentance and remorse, which I didn't see in the boy way back in 99. So I feel there has been a change. उनको जेल की जो सजा हुई थी उसको रिमिट कर दिया गया। जो दिल्ली सरकार थी एलजी के माध्यम से एक आदेश आया कि उनके गुड कॉन्डक्ट के आधार पे, और मैं गुड कॉन्डक्ट विद इन कोर्ट्स बता रहा हूँ, सरकारी डेफिनेशन में वो गुड कॉन्डक्ट के हकदार थे और इसलिए उनको रिहा कर दिया गया, तो उनकी सज़ा पूरी हो गई है। जेसिका को एज ए विक्टिम महसूस कर सकती हूँ और मनु को एज ए रिफॉर्मर महसूस कर सकती हूँ, और उसमें ज़्यादा पेन मुझे, इन दोनों से ज़्यादा पेन मुझे उनके परिवार को लेकर होती है क्योंकि दोनों परिवारों का इस केस में कोई कसूर नहीं था। स्पॉन्टेनियस क्राइम में फिट ऑफ एंगर, तंदूर पर लाश को रखा, लकड़ वक्कड़ और ये लगाकर लाश को जलाया। सुशील शर्मा और रैना सानी यूथ कांग्रेस के पहले कार्यकर्ता थे और उसके बाद सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। इसी कॉलोनी में उस वक्त एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये घटना 2 जुलाई 1995 को हुई। रात को 11 बजे के लगभग मुझे सूचना दी गई कि अशोक रोड पर बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में तंदूर पर एक महिला को जला दिया है। बड़ी अजीब सी सूचना थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली आफ्टर 18 इयर्स ऑफ इनकार्सरेशन इन अक्टूबर 2013 डिसाइडेड दैट प्रोसिक्यूशन हैड प्रूवन द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।